इंदौर जिले के बेटमा में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति की बैठक शनिवार को नगर के एक निजी गार्डन में पुलिस अधीक्षक हितिका वासल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बेटमा सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष सबसे पहले 3 चरणों में घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घोड़े खड़ी पहाड़ी पर दौड़ेंगे। उसके बाद 500 मीटर दूर रखी मटकी पर बंदूक से निशाना लगाया जाएगा। फिर बीएसएफ एवं हॉर्स राइडिंग क्लब द्वारा घोड़े की जंपिंग का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें घोड़े आग के गोले में से निकलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में भव्य गगनचुंबी आतिशबाजी होगी और अंत में दम्भी रावण का वध किया जाएगा। प्रशासन ने इस बार बंदूकधारियों के लिए यह निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति के नाम से बंदूक का लाइसेंस होगा, वही व्यक्ति निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेगा। बैठक को एसपी हितिका वासल, एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, एसडीएम रवि सिंह वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल आदि ने संबोधित किया। आज बेटमा में एक जो मीटिंग थी वो दशहरा को लेकर एक आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे और दशहरा कमेटी के जो मेंबर्स थे वो भी उपस्थित थे। फिलहाल सब डिस्कशंस की गई हैं और अच्छे से अपना त्यौहार हो जाए इसके बारे में सारी डिस्कशंस करके पुलिस प्रशासन सब लोग सतर्क हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा त्यौहार है वो अच्छे से मनाया जाए और खुशहाली से मनाया जाए। आज बेटमा में 12 तारीख को जो दशहरा आयोजन होता है वो बड़े वृहद स्तर पर होता है। उसके संबंध में एसपी मैडम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया था। इसमें दशहरा आयोजन समिति और सभी स्टेक होल्डर्स उपस्थित थे। तो बेसिकली 4-5 प्रकार की गतिविधियों वो लोग करते हैं दशहरा आयोजन समिति के द्वारा अमन चमन टेकरी पर। उसमें ये तय किया गया है कि सबसे पहले ये लोग अपना घुड़सवारी घुड़दौड़ का एक छोटा आयोजन होता है उसको करेंगे। उसके साथ ही जो लाइसेंस आम होल्डर हैं वही लोग फायरिंग करेंगे और वही लोग सबसे पहले 8 तारीख तक थाना प्रभारी बेटमा के समक्ष अप्लीकेशन फाइल करेंगे और अगर वो व्यक्ति दक्ष है उसके परीक्षण के आधार पर ही उस व्यक्ति को फायरिंग करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद ही आतिशबाजी और जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसी के संबंध में विशेष पूरा विस्तृत चर्चा की गई है और आम सहमति इसमें बन गई है कि इस प्रकार के स्टेप्स को करना है। और ये इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है कि ये सभी गतिविधियां हमको सनलाइट के दौरान ही करना है, मतलब सूर्यास्त के उपरांत हम कोई फायरिंग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात सभी स्टेक होल्डर्स को बताएगी और सब सहमत थे इस चीज़ पर। आज सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति की बैठक आयोजित की गई, उसमें सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के सदस्यगण और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिसमें कि पुलिस प्रशासन के एसपी मैडम, एडिशनल एसपी साहब, साथ में हमारे राजस्व विभाग के एसडीएम साहब और एमपीपी के अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी, साथ में हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि भैया जायसवाल और हमारे सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के सभी सदस्यगण, भूरे खां और घोड़ी वाले और सभी दूसरे भी जो उनके साथ में, आज प्रशासन और सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों के साथ आज एक मीटिंग आयोजित की गई। और उस मीटिंग में के पहले हमने दशहरा मैदान पर प्रशासन के साथ जाकर उसका भौतिक सत्यापन भी किया कि किधर से घोड़े घोड़े दौड़ेंगे, कहां से कितनी घुड़दौड़ होगी वो भी हमने बताया। 3 चरणों में घुड़दौड़ होगी, साथ में निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी और उसके अलावा जो भी दशहरे के आयोजन होते हैं, आतिशबाजी प्रतियोगिता, रावण दहन, वो सभी आयोजन 12 तारीख के दिन शनिवार के दिन दशहरा मनाया जाएगा। और उसी के साथ बेटमा नगर की जनता और सभी व्यापारियों के साथ में भी आज सभी लोग मीटिंग में उपस्थित थे और सभी जनता के द्वारा इसको दशहरे का मनाया जाएगा। उसके अंदर राजवाड़ा से चल समारोह 2 बजे हम प्रारंभ करेंगे। प्रशासन का ये कहना था कि निशानेबाजी जो है 6 बजे के बाद अंधेरे में होती नहीं और कुछ समस्या आती है, इसलिए आप 6 बजे के पहले निशानेबाजी प्रतियोगिता कर लें। तो हमने ये सभी समिति के सदस्यगणों ने और सभी की सहमति से, नगरवासियों की सहमति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम तो 3 चरणों में घुड़दौड़ होगी, घुड़दौड़ के बाद ही निशानेबाजी प्रतियोगिता हो जाएगी। निशानेबाजी के बाद में जो भी आयोजन है, आतिशबाजी, रावण दहन, जंपिंग प्रतियोगिता, ये सब उसके बाद में चलते रहेंगे क्रम के अनुसार। वो फिर कितनी बजे तक भी चले उसमें कोई समस्या नहीं। तो हम चल समारोह को भी इस बार 2 बजे से प्रारंभ कर देंगे। सभी घोड़ा घोड़ी वाले और सभी लोगों से निवेदन है कि 2 बजे के पहले अपने घोड़े घोड़ी बेटमा नगर में लेके कर्तव्य दिखाने वाले, नचाने वाले, दौड़ाने वाले सभी लेकर पधारे, उनका सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति की ओर से स्वागत है। और साथ में निशानेबाज जो है वो भी 8 तारीख के दिन शाम तक बेटमा थाने में अपनी बंदूक के साथ में अपने लाइसेंस की फोटोकॉपी
और फोटोकॉपी के साथ में लाइसेंस भी रिन्यूअल होना चाहिए, और जो कौन चलाएगा, जिसका लाइसेंस वो स्वयं खुद ही चलाएगा, उसका दूसरा व्यक्ति परिवार का नहीं चलाएगा, ये भी निर्णय लिया गया। और उसमें भी प्रशासन के अधिकारीगण उसमें उनके साथ ट्रायल लेंगे एक दिन पहले की निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए, वहाँ जाकर दशहरा मैदान पर उनके साथ जाके कि भैया आप कैसे चलाएंगे क्या है, तो अपने शस्त्र 8 तारीख तक जमा करवा दें जिनको भी निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेना है वो लोग उस, और उसके बाद में कोई भी पुलिस प्रशासन या सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के सदस्यगण भी उसके लिए फिर बाद में जवाबदार नहीं कि मैं 9 तारीख को मैं स्वयं भी लेकर आ रहा हूँ, मैं 9 को जमा करवा दूँ तो नहीं होगा। 8 तारीख तक पुलिस थाना बैठ में जमा करवा दें और उस आयोजन को अच्छे से सभी लोग मिलजुल कर इसको मनाएं, और साथ में सभी ने दशहरे में जो परंपरा बेटमा की परंपरा के अनुसार दशहरा मनाया जाता है उसी अनुसार बेटमा दशहरे का को भव्य रूप से मनाएं, और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।